बीच उमरिया जिले के जनपद पंचायत करकेली के अंतर्गत ग्राम पंचायत मानिकपुर में सरपंच सचिव द्वारा निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार करते हुए लाखों का घोटाला किया गया। इस बात को लेकर ग्रामीण आक्रोशित नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार मामले की शिकायत ग्रामीणों ने जनपद कार्यालय से लेकर जिला कलेक्टर से की है। कार्यकर्ता ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच रघुवंश प्रताप जी काफी समय से सरपंच पद पर हैं। पंचायत स्तर पर कोई भी विकास कार्य नहीं करता। ग्रामीण का आम रास्ता खस्ता हालत में है और ग्रामीणों के द्वारा किए गए पूर्व के कार्यों का मजदूरी भुगतान भी नहीं किया गया एवं सरपंच द्वारा ग्रामीणों को गाली गलौज करते हुए धमकाया जा रहा है। सरपंच सचिव के मिलीभगत से ग्रामीण क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने कलेक्टर के समक्ष शिकायत पत्र प्रस्तुत किया है। वहीं इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर सरोजी सोमवंशी ने बताया कि एक प्रकरण आया है जिसमें रोड का निर्माण नहीं कराया गया और राशि आहरण कर ली गई है, जहां संबंधित अधिकारियों की टीम गठित कर जांच कार्रवाई जारी है। जांच दल की रिपोर्ट आने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध FIR एवं वसूली कार्रवाई की जाएगी। पेशे उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। मानिकपुर में आए दिन 45 साल से बहुत ही भ्रष्टाचार चल रहा है। हमारे गांव सरपंच महोदय जी से हमारे गांव में जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो मेड़ बंधान हो, चाहे रोड हो, चाहे अन्य कोई भी कार्य हो, उसमें लेबरों को पैसा जो है पूरी तरह से मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो बहुत कम राशि में मिलता है। जैसे दर है जो 60 रुपए की दर से प्रतिदिन 110 रुपए ऐसे ही मिलते हैं। हम इसकी शिकायत पहले भी कर चुके हैं और अभी तक कोई सुनवाई हुआ नहीं है, इसलिए हम फिर से दोबारा आए हैं। आज हमारे पंचायत में 40 साल से रघुवंश प्रताप सिंह हैं और उन्होंने आहरण करते रहते हैं, हर समय कामों का डिस्टर्ब, और हमारे यहाँ रोड का अभी आहरण किए हैं और दबंगई दिखाते हैं। हम परेशान हैं, कलेक्टर महोदय जी से आवेदन भी किए हैं। अभी ग्राम पंचायत मानिकपुर से हूँ, वहाँ पे 45 सालों से जो माननीय श्री रघुवंश प्रताप जी सरपंच आ रहे हैं और सेक्रेटरी हैं सुरेंद्र पाल वर्मा, उन्होंने 45 साल से भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं। और अभी जैसे एक बार हम यहाँ ज्ञापन सौंपने आए थे अभी एक हफ्ते हुई, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। और वहाँ हमारे यहाँ रोड जो बन रही है, मतलब ये 2017 में राशि स्वीकृति हुई थी 6,21,000 और कार्य रहने में 4,88,800। उसमें अभी 30 मई को ग्राम सभा लगा था, उसमें हम बहस किए तो बोले नहीं बनाया। प्रकरण आया है जिसमें रोड का निर्माण नहीं हुआ है और राशि का आहरण हो गया है, उसमें दल का गठन कर दिया है। दल मौके पर जाकर स्पॉट इंस्पेक्शन करेगा और उसकी रिपोर्ट के आधार पर हम FIR और वसूली की कार्रवाई करेंगे।